मेरा नाम मोलानी तिहस अच्छा, हाँ। तो आप ऑपरेशन का कहानी हुआ, बता सकी है अटैक से पहले बिल्कुल गांव वाला को बिल्कुल मालूम नहीं है लेकिन 9 जुलाई को ठीक बारह बजे में ये फायर करना शुरू हो गया और उस दिन में हम हमारा खेती दान लगने में थोड़ा बाकी था आसम र को कैम से थोड़ा नीचे में हमारा खेती था हम उधर दान लग रहा है बच्चा को वो पहाड़ में साता लगा के वो बच्चा को उधर सुलाए और मेरे पार्टी मछली थोड़ा पकड़ने के लिए वो कोशिश करता है तो फायर शुरू हो गया तो हम गौरी दिखा तो ठीक बारह बारी बारह बजे हो गया दस मिनट को बाद में सिपाही को घोरा और बकरी बेरा सब हमारा खेती में के आ गया सब भाग के आ गया इसलिए हम अपना दिल में सोचा ये तो ये तो खुश हो गया बोल के हम दौड़ के दौड़ के हम दिखा था लेकिन कैम आसाम राइफल को कैम सब सब आग जला दिया और एनेशन लो खूब हल्ला करता है खूब चिल्लाता है क्या नगा लड़का लो भाग जाओ भाग जाओ बोल के हाँ नगा ग्यारह बारह नगा था ग्यारह बारह नगा था और सब तो भाग गया और एक एक नगा मक्खन को एक लड़का को तो गोली लाग गया पैक में पैक में गोली लाग गया था लेकिन हम बचा और मेरा पट्टी को लेके घर में पहुंचा दिया उसको बाद गांव को बुढ़ा लो चार पांच हमारा जाके दिखा था उधर कैम में सब दूँगा दूंगा दूँगा हो गया घर भी दिखाई नहीं दे रहा है सिपाही को भी दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा बाद में थोड़ा बाद में एक एक बजे और दस मिनट हो गया तो हेलीकॉप्टर आया इधर आना नहीं सका पूरा रात जैसा वो अंधेरा हो गया और बारिश आते 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 बिल्कुल एक मिनट पे एक मिनट भी नहीं सो रहा एक मिनट भी नहीं सो रहा बारिश आते आते और गांव सब अंधेरा हो गया इसलिए हेलीकॉप्टर वापस चल गया फिर फिर आया फिर भी वापस चल गया फिर भी आया फिर भी वापस चल गया तीन बार आया था लेकिन इधर पहुंचना नहीं सका इधर पहुंचना नहीं सका वो अच्छा चल गया और दो बजे दो बजे दो बजे पाँच मिनट में वो लार से एक मेजर आया था एस सी शर्मा उसने बहुत सिपाही को लेके आया था लेके आया तो हमको बुलाए कौन हिंदी जानता है बोला साहब हम थोड़ा थोड़ा जानता है बोले तो ये क्या हो गया बोला नहीं हमको क्या मतलब है हम कुछ मालूम नहीं है हम खेती मामूली से खेती काम करने वाला आदमी है तुम लोग हथियार हथियार लेके वो लड़ाई करने वाला है लड़ाई में हमको क्या मतलब है हमको बिल्कुल बिल्कुल मालूम नहीं है बोला नहीं कुछ मालूम तो होगा कितना आदमी आया कैसा है हमको पूछता था तुम जाओ तुम जाओ बस्ती में सब लड़की लड़का बूढ़ा बूढ़ी सबको बचा सबको बुला के वो एक कथा करो तुम जाओ बोला था हम जाके बच्चे को बुलाया बस्ती वाला कोई है नहीं थोड़ा आदमी खेती से नहीं आया और बहुत आदमी वो अंडरग्राउंड को हथियार पहुंचाने के लिए वो जंगल में चला गया सेवेंटी टू आदमी हाँ बस्ती को लड़का लो सेवेंटी टू आदमी और उसी में बहुत छोटा छोटा बच्चा भी था आ। ये के जी टू में पढ़ने वाला एक एक क्लास में पढ़ने वाला दो क्लास में पढ़ने वाला बच्चा लोग भी तेरह आदमी था थर्टीन थर्टीन स्टूडेंट भी लेके गया था तो को कब बुलाया। ऐसा ज़बरदस्ती गाँव गार, गार में पकड़ के ज़बरदस्ती लेके गया था नहीं बोला है नहीं बोला है ऐसा बाहर में मिला उनको पकड़ लेता है और नहीं मिला तो घर में घुस के वो आदमी को बुला के लेके गया था हाँ हमको भी लेके गया हमको भी लेके गया था लेकिन हम ऊपर में हमारा पिक इंग्लिश स्कूल था उसी में हम सबको फॉलैन करता है फॉलैन करके वो लेक्चर करता है उसी टाइम में हम गया, हम गया, हम बाग्य वो गांव में फिर आया तो औरल लोग को साथ हम बात कर बात करते करते हम औरल लोग को सब रु गया बच्चा लड़का लड़की बूढ़ी बूढ़ा सब रु गया और गांव को गांव को कुर्ता पे सब इकट्ठा करके वो कुर्ता पे भुगता था तो हमको हमको कुछ कुछ हमको याद नहीं आया हमको भी कुछ दिमाग नहीं आया हम भी पागल जैसा हो गया तो फिर लड़का लो तो सब चल गया थोड़ा औरत लो थोड़ा बूढ़ी लोग को लेके वो, वो ग्राउंड में गया था मेजर साहब से मिलने के लिए इन लोग को नहीं जरूरत है इन को जरूरत नहीं है लड़का लोग को लेके आओ बोला लड़का तो इतना है साहब इतना है वो को, कोई खेती से नहीं है कोई अंडरग्राउंड ले गया होगा कुछ न कोई भी नहीं है गाँव में इतना है हमारा नौ आदमी आया था लड़का सब बुद्धा बुढ़ा है हम तो जवान हैं वो आठ आदमी तो बूढ़ा बूढ़ा है सब तो जाओ तुम लोग लड़का ला औरत लो इधर बैठो बूढ़ी लो इधर बैठो लो तुम लोग जाके वो कितना आदमी मार गया वो मारा वाला मारा वाला बदम वो जमा करो बोलता बोलता है हमको हमको हम दिया है तो हम घार गार से उठा उठा के वो मार गया मारा वाला बदम सब जमा गया था मैंने <coughs> सब जमा गया जमा गया तो तेरह आदमी था चार तो जिंदा है नौ तो मर गया चार तो ज़िंदा है नौ तो मर गया और तीन आदमी को हथियार से मारा था राइफल से और छः आदमी को दाव से मार मार के वो खुकरी से मार मार के अच्छा रखा था तो थोड़ा बाद में मसून खोल गया तो हेलीकॉप्टर आ गया तीन आदमी को लेके गया था छः आदमी को गांव में जलाए आग जलाए था गांव में बूढ़ी थोड़ा बूढ़ी था उन लोग को लेके वो आग जलाने वाला लकड़ी उठा के वो लकड़ी खूब जमा करके वो छः आदमी को ग्राउंड के किनार में छः आदमी को जलाया था आदमी को जलाने को बाद बहुत फौजी आ गया चार तरह से किनार किनार से रास्ते रास्ते से वो बहुत फौजी आ गया पैदल आया और कोई महिंद्रो जीप से आया कोई वान तम से आया तो आदमी को जलाने को बाद हमारे को मारना शुरू हो गया बूढ़ा बूढ़ी कोई आदमी बाई कोई नहीं देखा ये बूढ़ी है ये बूढ़ा है नहीं देखा सब गाँव वालों को सब मारना शुरू हो गया धंदा से मारा दंदा से मारा वो और अपना लाठी से मारा और बॉक्सिंग बॉक्सिंग भी लगाते रहता है और थप्पर भी मारते रहता है थप्पर भी मारते रहता है एक बूढ़ा को मारता है वो गिर गया फिर उठाए फिर गिर गया मार के गिर गया फिर उठाया फिर मरता है इसलिए हम दौड़ के वो मारना तो हमको मारो ये बूढ़ा को ये बूढ़ा को मर गया तो इसमें मर गया तो कैसा करेगा सरकार अपना सरकार को भी बदना बदनाम होगा और हम इनको परिवार भी कितना नुकसान है बच्चा को कौन पालेगा मरना तो हमको मारो बोल के हम लड़ाई गया था खूब जागर गया था तो आप कौन है हमको पूछा है आप कौन है हम खेती कम करने वाला है हम कुछ नहीं अभी कोई हम अथॉरिटी भी नहीं है हम विलेज चेयरमैन सेक्रेटरी भी नहीं है हम गांव बरा जी भी नहीं है हम मामूली से वो खेती काम करने वाला आदमी है क्या हमको क्या गलती है मैंने ऐसा जागर गया था तो बुढ़ा को हम मैंने बचा दिया बाबा तुम जाओ घर में आराम से बैठो बाहर नहीं निकलना है बोल के वो भेज दे घर में तो उधर उधर थर्टी वन आदमी था ग्राम में तो सबको कुत्ता जैसा कुत्ता जैसा सुंगुर जैसा जानवर जैसा ऐसा सबको वो पैर से भी मारता है बॉक्सिंग मारता है थप्पड़ मारता है दंदा से मारता है लाठी से मरता है थर्टी वन आदमी तो सब ग्राम में गिर गया गिर गया और रो 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 के वो रो रो के माँ 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 बोल के बच्चा बच्चा बोल के बाबा बाबा बोल के सब रो रो के वो भगवान 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 बोल के अच्छा सब ग्राम में रो गया था तो किसी को भी वो घर में जाना नहीं दिया तो हमको बोला था मेजर साहब नहीं इतना बड़ा बस्ती है इतना थर्टी वन आदमी कैस कैसा होगा कम से कम चार सौ पाँच सौ आदमी तो होगा आप जाके बुला लो बोल के वो सिपाही <coughs> बीस सिपाही और हम एक ही साथ बस से भेजा था हम गांव में हम चिल्लाते चिल्लाते ग्राँव में आने के लिए हमको मिला है गाँव में आने के लिए ऑर्डर दिया है बस से वो गाँव वाला वो ग्राँव में जाना पड़ेगा क्या करेगा वो खन्ना उन्ना मत बनाओ अभी सब ग्राम में जाओ जाओ बोल के हम बुलाया था आया आता है मरता है पीछे आता है मरता है आगे आता है मरता है तो रात भर गांव वालों को सोना नहीं दिया बारिश को साथ ग्राउंड में रखा बारिश को साथ ग्राउंड में रखा उसी रात से हमको हमको ग्यारह बजे में हमको अंदर कैंप के अंदर में ले गया था ब्रिगेडर साहब को सामने में ब्रिगेडर साहब हमको ग्यारह बजे से बात पूछ पूछ के सुबह सुबह सात बजे तक हमसे हमसे पूछता है क्या पूछा? कितना आदमी है अंडरग्राउंड और तुम लोग तुम गांव वाला और अंडरग्राउंड मिला के केम एते गया बोलता है नहीं नहीं साहब ऐसा ऐसा कभी नहीं होता है कभी ऐसा नहीं होता है गांव वाला क्या क्या काम करता है गाय देखता है बाइस देखता है बच्चे लोग को देखता है खेती जाता है बच्चा को स्कूल में पहुंचा देता है गांव वाला को इतना काम है बाकी बिल्कुल नहीं है आप झूठ बोलता है ऐसा मत बोलो हम हम दोनों को ऊपर में भगवान है साहब क्यों ऐसा गलत बोलता है गलत सवाब हम से मत पूछो बोल के हम बर्गिजर साहब को बोला था तो तो कैसे एते गया बोला नहीं मैंने नहीं गिनती गया था ट्वेंटी फोर सिर्फ ट्वेंटी फोर आदमी है अंडरग्राउंड को सिर्फ ट्वेंटी फोर है हाँ मैं कैसा गिनती गया हमको भी तीन हथियार हमारा हमारा ऊपर में रखा ले जाओ बोल के हमको भी वो जबरदस्त लेके गया था तो हमारा पिक स्कूल उसमें सबको फौलन गया था फौलन में हम भाग गया ऐसा ज़बरदस्त लेके गया तो कैसा बस्ती वाला कैसा मिला गया अंडरग्राउंड को साथ बस्ती वाला का बिल्कुल काम करता नहीं है हाँ वाला हथियार नहीं है आपको भी हथियार है अंडरग्राउंड को भी हथियार है दोनों हथियार को बीच में गांव वाला कैसा 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 जवाब देगा आप बोलेगा जाना पड़ेगा अंडरग्राउंड बोलेगा जाना पड़ेगा क्योंकि डरता है ना डरता है अपना जान तो बचाना पड़ता है अपना जान बचाने के लिए वो आपको हंगकॉम भी मानता है अंडरग्राउंड को हंगकॉम भी मानता है इसलिए वो जंगल में गया गांव वाला एकदम पसंद से एकदम एकदम अपना इंटरेस्ट से नहीं जाता है जबरदस्ती लेके गया मैं ऐसा ऐसा खूब लड़ाई गया था तो ठीक है ठीक है तुम हम बाइबल देगा होली बाइबल देगा तुम बाइबल लेके कसम खाओ बोलता है ठीक है कसम खाएगा कसम कसम खाएगा हम अप, अपना खून से भी निकल के कसम खाएगा हमको बिल्कुल मालूम नहीं है इसमें हम बिल्कुल मालूम नहीं है गांव वाला इसमें कोई मिलाप नहीं है कोई मिलाप नहीं है और इस इससे पहले गांव वाला किसी ने भी अंडरग्राउंड को दिखा भी नहीं है दिखा भी नहीं है इसलिए हम कसम खाएगा बाइबल देव और अपना खून निकल के हम कसम खाएगा और बाइबल देव बोला बाइबल लेके आए था हमको तीन बार कसम खिलाए तीन बार हमको कसम खिलाया था ठीक है हम कसम करके बोल के हम कसम किया था और भगवान जिसु ख्रिश्त को नाम देके भगवान जय को नाम देके हम कसम खाए था भोली बाइबल हमारा हमारे ऊपर में रखा और दोनों हादसे होली बाइबल पकड़ के हमको कस, कसम खिलाया था और उसको बाद ठीक है आपको शोर देगा लेकिन आप फौजी जैसा है, कितना महीना कितना साल अभी कुछ पतन पतन नहीं है फौजी जैसा वो फौजी को साथ काम करना है कर ना पा रहेगा का साहब कर ना पा रहेगा लेकिन बुढ़ी बूढ़ा को कोई मतलब नहीं है उन लोग को शोर दे बोला आपको क्या आपको क्या पावर है आपको क्या पावर है क्या आदमी को छोड़ने के लिए बाट करते रहता है तब तो आपको शूट करके शूट करो भाई साहब हम हम रेडी है हम एकदम रेडी है शूट करो बोला था मैंने लेकिन जाओ तुम तो मेजर साहब को साथ काम करो बोल के हमको सुबह सात बजे में छोड़ दिया था